हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रही थी, विषाणु से होने वाले रोग, आपकी यूनिट का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आज मैं उस टॉपिक के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कराऊंगी। जो बच्चे टॉपिक लिख चुके हैं उनको इजीली समझ में आएगा कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कैसे करने हैं। आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए जो नोट्स मैंने करवाए हैं उनको सामने रख लीजिए, और कल मैंने इसका लेसन का होमवर्क भी आपको डाला था कि जो नोट्स मैंने बनवाए हैं उनसे किस तरीके के दो दो नंबर के प्रश्न, आपका लॉन्ग क्वेश्चन और आपके वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे, उन्हीं नोट्स से सारे प्रश्न आपको मिले होंगे। आई होप आपको समझ में आएगा मैं किस तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। आज मैं उसी टॉपिक के बहुविकल्पी प्रश्न लेके आई हूँ, आप लोग देखेंगे मैं किस तरीके से उनको सॉल्व करवाती हूँ। ये मल्टीपल चॉइस के जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके एक नंबर में करने के लिए आते हैं, जो टोटल आपके जो 12th के बच्चे हैं यूपी बोर्ड के, ये पूरा मैटर आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। और इसमें जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, जो पहला आपको प्रश्न मिलेगा उसमें आपको ये 5 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। इसमें 5 नंबर में आपको मल्टीपल चॉइस में 5 नंबर के प्रश्नों में टिक करना होगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ये 5 नंबर का जो भी लेसन में पढ़ाऊंगी उसके टॉपिक करवाने के बाद मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी लेके आऊंगी, और जो उस लेसन से 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 1-1 नंबर के प्रश्न बनते हैं उनको भी मैं पूरा कराने की कोशिश करूंगी। जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट ही है, और प्रैक्टिस सेट के लिए भी काफ़ी समय है, तो जब प्रैक्टिस सेट में लाऊंगी तो पेपर के थोड़ा सा पहले उनको लाने की कोशिश करूंगी। अभी आप लोग जो नोट्स मैं पढ़ा रही हूँ इसमें या हिंदी में, उनको आप कॉपी करते जाइए, वो मैं आपके पेपर को ध्यान में रखकर ही क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है उसी के अनुसार ये पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। पहला प्रश्न देखिए आप लोग, पहले प्रश्न में निम्नलिखित में से जन्मजात रोग है। अब मैंने जब पहला लेक्चर आपको डाला था तो उसमें मैंने आपको बताया था कौन से रोग आपके जन्मजात है, ठीक है, वंशागत, और कौन से रोग आपके एनवायरमेंट में आने के बाद होते हैं। तो प्रश्न में आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला एल कैप्टोन्यूरिया, दूसरा मलेरिया, तीसरा एड्स, चौथा हेपेटाइटिस। ये आपको वंशागत होने वाले रोग की मैंने एक सीरीज पढ़ाई थी उसमें बताया था कि एल कैप्टोन्यूरिया रोग से क्या होता है। ये सेकंड यूनिट में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें आपको ये रोग देखने के लिए मिलेगा, और एल कैप्टोन्यूरिया आपका जीनी व्युत्क्रम के कारण होने वाला रोग है। जब जीन में कोई आपकी गड़बड़ी हो जाती है तब ये रोग उन व्यक्तियों में होता है, और ये रोग एक अनुवंशिक रोग है, ठीक है, और ये जो माता पिता में होगा तो ये बच्चों में भी ये रोग ट्रांसफर होगा। इस वाले रोग में जब व्यक्ति मूत्र त्याग करता है तो मूत्र हवा के संपर्क में आने पर काला पड़ जाता है, और ऐसे व्यक्तियों को अर्थराइटिस या गठिया की शिकायत हो जाती है। मैं सारा एक्सप्लेनेशन करूंगी जितने भी इसमें आपके ऑप्शन आए हैं, आप लोग ध्यान से उसको सुनेंगे। इसके बाद मलेरिया, मलेरिया आप जानते हो कि मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर होती है उसके काटने से रोग फैलता है। एड्स, ये भी विषाणु जनित रोग है, ठीक है, ये विषाणु से होने वाले रोग में यौन संचारित रोग है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, या कभी कभी आप ब्लड चेक नहीं करवाते हो जो आपको चढ़वाना होता है तो उस ब्लड के माध्यम से भी ये आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। जो निडिल इंजेक्शन वाली होती है अगर उसको स्टरलाइजेशन उसका नहीं किया गया तब भी ये रोग आपको उसी निडिल से इंजेक्शन लगवाने पर ट्रांसफर हो सकता है। दंत चिकित्सा के जो उपकरण होते हैं उनको अगर सही से स्टरलाइजेशन उनका नहीं किया गया तब भी ये रोग आप में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो एड्स एक कैसा रोग है, विषाणु जनित रोग हो गया, ये वंशागत रोग हो गया, ये आपका एनवायरनमेंट में आने पर, ये मलेरिया जब फैला हुआ होता है तो ये सबको एक साथ मलेरिया होता है, ठीक है। तो ये आपका उपार्जित रोग की श्रेणी में आएंगे, ये वंशागत रोग की श्रेणी में आए। अब देखिए हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस मैंने आपको पढ़ाया है ये भी विषाणु से होने वाला रोग है, और हेपेटाइटिस को हम पीलिया के नाम से भी जानते हैं, जिसमें मैंने आपको नोट में पढ़ाया था कि हेपेटाइटिस ए के कारण ये पीलिया महामारी रोग हो जाता है, ठीक है। इसमें 2 टेस्ट भी मैंने आपको बताए थे, आप लेक्चर को जाके वहां पे देख सकते हैं। तो प्रश्न पे क्या पूछा गया, निम्न में से जन्मजात रोग है। तो देखो जन्म से मलेरिया तो किसी को नहीं होता है, हेपेटाइटिस भी किसी को नहीं होता है, एड्स भी किसी को नहीं होता, केवल यही रोग मैंने आपको बताया है जो एक अनुवंशिक रोग की श्रेणी में आता है, और यही आपका आंसर सही होगा। जन्मजात रोग या वंशागत रोग या अनुवंशिक रोग, तीनों को एक ही बात होती है, तो इसमें हम टिक लगाएंगे, ये वाला आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्री असमानताओं के द्वारा होने वाला रोग है। जैसे अब ये जीन के गड़बड़ी के कारण होने वाला रोग था, ये सेकंड यूनिट में आपके रोग लगे हुए, वहां मैं पूरे लेक्चर आपको क्रम से पढ़ाऊंगी।
इसमें देखिए गुणसूत्री असमानताओं के द्वारा होने वाले रोग हैं, तो गुणसूत्र में जब डिस्टरबेंस होता है तब ये रोग होते हैं। अब आपको पता होगा गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, लिंग गुणसूत्र और दैहिक गुणसूत्र, या उन्हीं को हम कहते हैं ऑटोसोम्स। तो ये वाला जो गुणसूत्र आपका होगा इसमें लिंग के कारण भी होने वाले रोग शामिल है और आपके दैहिक गुणसूत्र से होने वाले भी रोग शामिल है। तो गुणसूत्री असमानताओं के द्वारा होने वाला रोग है वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें देखिए पहला डाउन सिंड्रोम, दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा टर्नर सिंड्रोम और चौथा ए सभी। तो देखिए डाउन सिंड्रोम एक लैंगडन वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस रोग की खोज की थी और ये रोग आपका 21वें जोड़े गुणसूत्र में डिस्टर्बेंस के कारण होता है और इस रोग में गुणसूत्र आपके ये 46 के स्थान पर 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। इस वाले रोग में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ये दोनों रोग आपके लिंग गुणसूत्रों में डिस्टर्बेंस के कारण होने वाले रोग हैं। ये अधिकतर पुरुषों में पाया जाता है, ये अधिकतर मादाओं में पाया जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है और घा आपका है ए सभी। तो ये दोनों रोग जो आपके हैं ये लिंग गुणसूत्रों के कारण होने वाले रोग हैं, ठीक है, और ये वाला भी लिंग गुणसूत्र के कारण होने वाला रोग है। तो ये बचा आपका ये दैहिक गुणसूत्रों के कारण होने वाला रोग, ठीक है। तो ये दैहिक गुणसूत्र के कारण होने वाला रोग आपका ये आपका डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ये सभी होगा। अगर प्रश्न इस तरीके से आता कि इनमें से बताइए कि लिंग गुणसूत्रों के व्यतिक्रम किसके कारण होने वाला रोग, तब ये दोनों सही होते। अगर आपसे पूछा जाता कि दैहिक गुणसूत्रों के व्यतिक्रम के कारण होने वाला रोग कौन सा है, तब ये निशान लगाते। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, गुणसूत्री असमानताओं के द्वारा होने वाला रोग, तो ये तीनों ही गुणसूत्र में डिस्टर्बेंस के कारण होते हैं। यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पे कितनी हो जाती है 47। इसमें गुणसूत्रों की संख्या लिंग गुणसूत्र कारण होने वाला रोग सेकंड कैटेगरी, इसमें भी 47 हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो भी लक्षण होंगे वो किसी पुरुष में स्त्री के भी होंगे और पुरुष के भी होंगे, ठीक है, और गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी 47 हो जाएगी। और ऐसे पुरुष कैसे होंगे, वो संतान का सुख नहीं दे सकते हैं या पिता बनने की क्षमता उनमें नहीं होती है, ठीक है। ऐसी स्त्रियां, ठीक है, ये भी जनन क्षम नहीं होती हैं और इनमें जनन की क्षमता का विकास नहीं होता है, ठीक है। और ऐसी जो मादाएं होंगी उनको हम अति मादाओं के नाम से जानेंगे। ये भी लिंग गुणसूत्र कारण होने वाले रोग है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आपकी 45 हो जाएगी। तो 46 की जगह 45 कम हो गया, इसमें ज्यादा हो गया, इसमें ज्यादा हो गया। तो ये डिस्टर्बेंस किसमें है, क्रोमोसोम में डिस्टर्बेंस के कारण होने वाले रोग है। तो देखो चारों हो गए आपके, तो किसमें से लगाओ ए सभी। अगला तीसरा संक्रामक रोग है, पहला इसमें खसरा, कुष्ठ रोग, कैंसर, दूसरा कुष्ठ खसरा, तीसरा वर्णांता और फिर खसरा, चौथा कुष्ठ और एल्बिनिज। अब आपको संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, ठीक है। तो संक्रामक रोग मैंने आपको बताए हैं, पहला सिलेबस के बाद लेक्चर देखो कि उसमें संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। संक्रामक रोग वो होते हैं जो आपके एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, और असंक्रामक रोग वो होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने पर भी नहीं फैलते हैं। तो संक्रामक रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलेंगे वो कौन से रोग होंगे, देखिए आप, पहला खसरा, कुष्ठ रोग और कैंसर। तो मैंने आपको बताया था कैंसर आपका एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलेगा। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है आप उसके संपर्क में आते हो तो रोग आपका ट्रांसफर नहीं होगा। तो देखो ये गलत हो गया, एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे हम अगर क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता है तब। अगला देखिए वर्णांतता और आपका खसरा। तो वर्णांता एक अनुवंशिक रोग हो गया, ठीक है, इसमें खसरा, तो देखो ये भी गलत हो गया आपका। अगला कुष्ठ और एल्बिनिज, और तीसरा कुष्ठ एवं खसरा। तो कुष्ठ और एल्बिनिज में से आपका ये अनुवंशिक रोग हो गया, ये मेलनिन नामक जो वर्णक होता है, ठीक है, उसके कारण हमारी आंखों और बालों और त्वचा का जो कलर होता है वो दिखाई देता है। जिन व्यक्तियों में ये वर्णक नहीं बनता है उन्हें, उन व्यक्तियों में आपका जो कलर होगा वो आपका सफेद सफेद कलर का समझिए आप दिखाई देगा, उनकी आंखें भूरी भूरी होंगी और मेलनिन नामक वर्णक उनमें नहीं पाया जाता। और ये रोग आपका अनुवंशिक रोग होता है, माता पिता से ये रोग ट्रांसफर होता है, इसी को हम हिंदी में कहते हैं रंजकहीनता, ठीक है। अब देखिए कुष्ठ एवं खसरा ये विषाणु से होने वाले रोग है, ये मैंने दोनों आपको बताए थे। तो इसमें आपने संक्रामक रोग फैला, और कुष्ठ और खसरा ये दोनों विषाणु का है, तो निश्चित बात है जो विषाणु कारण होने वाले रोग हैं ये आपके संक्रामक रोग हैं, एक दूसरे को टच करने से या प्रत्यक्ष संपर्क में आने से ये स्प्रेड होंगे और फैलेंगे, ठीक है। तो कौन सा सही हुआ, ये सही हुआ। एलिमिनेशन मेथड से देखो हमने ये बताया, ये अनुवंशिक रोग है तो निश्चित बात है ये ट्रांसफर ये वाला छूने से टच करने से नहीं फैलेगा,
इसमें ये नहीं फैलेगा, इसमें कैंसर नहीं फैलेगा, दोनों से बात तीनों गलत है। इसमें कौन सा सही है? कुष्ठ एवं खसरा। आगे देखिए, डेंगू का रोग जनक है पहला प्लाज्मोडियम, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा विषाणु जनित, चौथा एंटामीबा। तो मैंने आपको डेंगू का पूरा लेक्चर पढ़ाया है, आप लोग खुद ही बताइए कौन सा आंसर सही होगा, प्लाज्मोडियम, विषाणु जनित, बैक्टीरिया, एंटामीबा। तो मैंने ना तो अभी बैक्टीरिया बताया आपको, ना ही एंटामीबा बताया, ना ही प्लाज्मोडियम बताया। तो डेंगू, आपका जो डेंगू बुखार होगा किससे फैलता है? ये विषाणु के कारण होने वाला रोग है, तो इसमें निशान लगाओगे विषाणु जनित। अगला, एडीज इजिप्टाई वाहक है किस रोग की? डेंगू बुखार की, मलेरिया बुखार की, फाइलेरिया का या कालाजार का? तो डेंगू बुखार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पूरा, ठीक है, तो आपको आंसर पता होगा, पहला आंसर कौन सा होगा? डेंगू बुखार। अब इनको समझ लीजिए, मलेरिया बुखार का तो आपको पता है मादा एनोफिलीज मच्छर ये रोग फैलाती है, ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका, क्योंकि एडीज इजिप्टाई ये अलग है और मादा एनोफिलीज वो अलग है, तो मादा एनोफिलीज तो पूछा नहीं, एडीज इजिप्टाई पूछा। फाइलेरिया ये प्रोटोजोआ जनित होने वाला रोग है, ठीक है। काला आजार ये आपका बैक्टीरियल रोग है जो मस्तिष्क में हो जाता है, तो ये भी नहीं है, तो निश्चित बात है ये वाला सही होगा। अगला, चिकनगुनिया रोग संचारित होता है घरेलू मक्खी के द्वारा, कॉकरोच के द्वारा, एडीज मच्छर के द्वारा और मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। तो मादा एनोफिलीज मैंने आपको बताया मलेरिया का होता है, ठीक है, घरेलू मक्खी से होता नहीं है, कॉकरोच मैंने आपको बताया नहीं, तो निश्चित बात कौन सा होगा? एडीज मच्छर। चिकनगुनिया और डेंगू ये दोनों को फैलाने वाला एक ही वाहक होता है, वो आपका होता है एडीज इजिप्टाई, तो कौन सा सही होगा? एडीज मच्छर। या तो पूरी वंश हो जाती दोनों लिख देता है, या फिर उन्होंने मच्छर लिख दिया, क्योंकि मच्छर की ही एक प्रजाति है एडीज मच्छर, ठीक है। विश्व स्वाद दिवस मनाया जाता है पहला 7 अप्रैल को, दूसरा 3 अप्रैल को, तीसरा 5 अप्रैल को, चौथा 2 अप्रैल को। तो मैंने आपको नोट में पढ़ाया है विश्व स्वाद दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, नोट से आप याद रख सकते हो या तैयार कर सकते हो। अगला, होमवर्क में भी मैंने ये क्वेश्चन आपको दिए थे और नोट भी लिख के बताया था कि ये दो क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लोगे, ये आपके पूछे जाते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस मनाया जाता है पहला 15 मई को, दूसरा 15 जून को, तीसरा 15 अप्रैल को और चौथा 15 जुलाई को। तो मैंने आपको क्या बताया था? अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 जून को। ये सब याद करने वाले प्रश्न हैं, आप उनको नोट में देख सकते हो, वहाँ मैंने पूरा लेक्चर पढ़ाया हुआ, उसी लेक्चर में जितने प्रश्न आपके अंदर आ रहे थे मैंने वही मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन से रोग युग्म विषाणु जन्य है? तो इसका क्या मतलब हुआ? कौन से रोग विषाणु से होने वाले हैं? युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक है। देखो तो मैं दोनों जोड़ों में लिखेंगे, पहला टिटनेस टाइफाइड, दूसरा आपका सिफिलिस और एड्स, तीसरा काली खांसी, चौथा खसरा और रेबीज। तो देखिए, पहला टिटनेस और टाइफाइड ये किससे होने वाले रोग हैं? ये आपके जीवाणु से होने वाले रोग हैं, और जबकि ये क्या पूछ रहा है? विषाणु जन, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। आगे मैं अगला टॉपिक आपका ये आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला ही लगाऊंगी, ठीक है, ये पढ़ा नहीं है, तब भी आप समझ सकते हो क्योंकि मैंने विषाणु जनित रोगों में आपको नहीं पढ़ाया है। अगला, सिफिलिस और एड्स, सिफिलिस यौन संचारित रोग है, ठीक है, और एड्स ये भी आपका यौन संचारित रोगों की श्रेणी में आएगा और असंक्रामक रोग की श्रेणी में इसको रखेंगे, क्योंकि ये रोग छूने से नहीं फैलता है। अगला, काली खांसी, ठीक है, ये भी आपका एक संक्रामक रोग है, ठीक है। अगला, खसरा और रेबीज, ये मैंने आपको दोनों बताए हैं, खसरा और रेबीज आपके विषाणु जन रोगों का जोड़ा है, तो ये वाला आपका सही है, रेबीज कुत्ते काटने से होगा, ठीक है, और खसरा भी ये आपका विषाणु के माध्यम से फैलता है। अगला, चिकनगुनिया का रोग जनक है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो चिकनगुनिया मैंने किस में पढ़ाया आपको? अभी मैंने लेक्चर विषाणु वाला कन्फर्म किया है, तो प्रोटोजोआ मैंने पढ़ाया नहीं, जीवाणु पढ़ाया नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं, तो कौन सा है? आगे भी एक प्रश्न आया था उसमें भी विषाणु वाला रोग आया था, तो कौन सा सही होगा? चिकनगुनिया का रोग जनक है विषाणु। ये लेक्चर में आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको सारे प्रश्न इजीली आ रहे होंगे। अगला, निम्न में से कौन सा जोड़ा विषाणु रोगों का है? पहला दाद एड्स, खामें सामान्य सर्दी जुकाम एड्स, तीसरा पेचिस सामान्य सर्दी जुकाम, घा टाइफाइड और क्षय रोग। अब देखिए, दाद आपका ट्राइकोफाइटोनिक कवक होता है, फंगाई उससे फैलता है, तो निश्चित बात है विषाणुजन जोड़े में ही गलत हो गया, ठीक है। अगला, सामान्य सर्दी जुकाम एड्स, ठीक है, ये बताइए सही है। अगला, पेचिस सामान्य सर्दी एवं जुकाम, ये आपका
पेचिस वाला भी, ये प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है, तो देखो ये भी गलत हो गया। अगला टाइफाइड और क्षय रोग, ये आपके जीवाणु से होने वाले रोग है, तो भी गलत हो गया। अब सामान्य सर्दी जुकाम मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपका संक्रामक रोग की श्रेणी में आएगा जो एक दूसरे से टच होने से फैलेगा। और एड्स भी आपका विषाणुजन्य रोग है, लेकिन ये असंक्रामक रोग की श्रेणी में आएगा। लेकिन इन्होंने आपका असंक्रामक और संक्रामक नहीं पूछा है, केवल विषाणु रोगों का कौन सा जोड़ा है वो पूछा गया है, तो जोड़े में ये दोनों सही है। बाकी मैं आपको कुछ ना कुछ आपको प्रोटोजोआ के द्वारा मिला या आपको बैक्टीरिया के द्वारा मिला, तो वो जोड़े आपके गलत हो गए। तो कौन सा सही है? ये वाला। आई होप मैंने आपको जो 10 प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस के थे वो मैंने आज कराए, क्योंकि आपके लेक्चर में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने कल आपको राइट करके बता दिए थे कि इतने आपको होमवर्क में करने हैं, वो आपके दो दो तीन तीन नंबर के, और एक लॉन्ग क्वेश्चन उसमें था आपका किस तरीके से बोर्ड में प्रश्न आया वो मैंने आपको बता दिए। आज मैंने आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूरे करा दिए, जैसा मैं लेक्चर खत्म करूंगी और उससे जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड में आते हैं मल्टीपल चॉइस के, एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, तीन तीन नंबर के, वो सारे मैं कराने के बाद तब नया लेक्चर आपको पढ़ाऊंगी। तो आज मेरा पूरा होमवर्क जो क्वेश्चन इससे बनते थे या जो आए हैं अभी तक बोर्ड में, वो मैंने सारे आपको बता दिए इस लेक्चर से। अब अगला लेक्चर आपका होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले जो रोग होंगे मैं उनको कंडक्ट करूंगी, और आप लोग क्रम से नोट्स बनाते जाएंगे, और उसको कराने के बाद फिर हम उससे रिलेटेड क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे। होमवर्क जो भी प्रश्न बोर्ड में आते हैं, दो दो नंबर के, तीन तीन नंबर के, एक एक नंबर के, उनको नोट्स को कवर करने के बाद, लेक्चर कवर करने के बाद हम इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे।